माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपला अभिनंदन करतो। अपने प्रस्ताव मांडला, अतिशय चांगला प्रस्ताव आज के दिवसी मांडला। राजमाता जिजाऊ ने वंदन करूँ, सावित्रीताई फुले ने वंदन करूँ। आज महाराष्ट्र विधानसभा में जागतिक महिला दिवस साठी माननीय सदस्य सरोज अहिरे, श्री अबू आजमी, माननीय गीता जैन, माननीय प्रतिभा खानोरकर, माननीय देवयानी फरंदे, माननीय ऋतुजा लटके, माननीय यशुमती ठाकुर, माननीय भारतीताई लवेकर, माननीय मंजुला गावित, माननीय मंदाताई मात्रे, माननीय वर्षाताई गायकवाड़, माननीय मनीषाताई चौधरी, माननीय श्वेताताई माले, माननीय सीमाताई हिरे, माननीय विरोधी पक्ष नेते अजीतदादा पवार, माननीय भास्कर जाधव, माननीय ज्ञानराज चौगले, माननीय हरिभो बागड़े, माननीय श्री छगन भुजबल साहब, माननीय श्री आशीष जायसवाल साहब, माननीय यामिनी जाधव, माननीय सुलभा खोड़के, माननीय माधुरी मिसाल, अजून दोन तीन सदस्य ने बोलले। सर्वांचे मैं मनापासून आभार मानतो। अतिशय चांगली सूचना सर्वान दिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरुआत में ये हम सबको समझ है, फिर भी ये महिला जागतिक दिवस क्यों मनाया जाता है और कहाँ से आया? महिला हकों के लिए महिला जागतिक दिवस, माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिका और यूरोप में 1908 में महिलाओं को मतदान का हक नहीं था, और इस अन्याय के विरोध में 8 मार्च को न्यूयॉर्क में वस्त्रोद्योग की हजारों स्त्री कामगारों ने स्टगर्स चौक पर एकत्र होकर एक बहुत ऐतिहासिक निर्देशन किया था। 10 दिनों तक वो काम निर्देशन चला था, और उसके कारण ये 8 मार्च का दिन आज तक हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे सुझाव आए। मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि एक दिन की चर्चा से या एक प्रस्ताव से यह सब कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं जो हजारों साल से चला आ रहा है, पर यह जरूरी है और ये शुरुआत है। प्रत्येक दिन के जीवन के अंदर यदि हम महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे, महिलाओं के ताकत का आदर करना सीखेंगे, महिलाओं की जरूरत को समझेंगे, तो जाकर कहीं ना कहीं ये हजारों साल का जो नुकसान है वो पूरा हो पाएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी परंपरा के अंदर आज हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छे सुझाव आए। जो अजीत दादा ने कहा कि भाई आप यशोमती ठाकुर जी से और सारे महिला मंत्रियों से बैठ के चर्चा करिए, तो दादा मैं कल का दिन छोड़ के परसों सुबह 10 बजे से 2 घंटे की मीटिंग अपन रखेंगे। जो भी महिला सदस्य यहाँ आना चाहें, अपन माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में या कहीं भी जहाँ भी उचित होगा, मैं आपको कल सूचना दे दूंगा। अपन 2 घंटा बैठेंगे, इसके बारे में सूचना करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दादा ने बताया कि भाई आपके ऊपर कई सदस्यों का कहना था कि महिला मंत्री अलग से होना चाहिए। हाँ, महिला मंत्री अलग से होना चाहिए, महिलाओं को इसमें सहभाग मंत्रिमंडल में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह काम मिला है, दादा 27 साल के बाद में मंत्री बनाऊं, और आप तो सुबह 7 बजे आके बैठ जाते हैं, काम करते हैं, मैं उतना तो आपके जितना तो नहीं एक्टिव हूं, पर जब से मंत्री बना हूं माननीय दादा, मैं सुबह 10 बजे से 11 के बजे बीच में एक दिन भी मैंने छोड़ा नहीं है कि मंत्रालय में नहीं आता हूं, और शाम को सबसे लास्ट में मंत्रालय छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री रेट बसते होंगे, मैं खुद के बारे में नहीं बता रहा हूं, पर जो आपके मन में है कि मैं व्यवसाय में, मैंने बार बार कहा है मैं व्यवसाय में शामिल नहीं हूं, व्यवसाय अब मेरे बच्चे संभालते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय दादा, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि जानबूझ के नॉन व्यवसाय करना इससे बहुत अच्छा है कि आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी आप बहुत आराम से रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय हमारी सरकार आने के बाद में माननीय एकनाथ राव जी शिंदे और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस मेरे नेता, इन्होंने जो कुछ जिस एक्टिविटी से काम किया है, जिस गति से काम किया है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये मान के चलना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसमें हम असंवेदनशील हैं। हर प्रश्न को मन से लगाते हैं, आप कहें कि नहीं कहें, या जितने सुझाव आए एक एक सुझाव को लिख के रखा है, और आप समझ लीजिएगा इस सुझाव के बारे में कार्रवाई होगी। और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ऊपर कहा है, ऊपर की विधान परिषद में वो कहकर आए कि यह हमने करीब करीब फाइनल किया है, पर उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय इसी सेशन के अंदर, इसी सेशन के अंदर आप सबके सुझाव को गिन के
माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर मंत्रिमंडल में पास कर वापस आपके पास आएंगे, इसी विधानसभा में आएंगे और बहुत अच्छा महिला धोरण लेकर आएंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महिला धोरण केवल भाषणों का नहीं होगा, केवल निर्देशों का नहीं होगा, केवल पॉलिसीज का नहीं होगा, यह प्रैक्टिकल होगा। हम इसमें वास्तव में क्या क्या करने वाले हैं, फाइनेंस का इसमें सवाल होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी हम महिला टूरिस्ट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आपको इसी क्षेत्र में मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई सारे काम किए हैं और काम करना हमारा धर्म, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि हम सरकार के अंदर आए तो जिम्मेदारी लेकर आए, पर वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से प्राणपण से पूरा करना चाहते हैं, सबके सहयोग से करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या क्या अलग योजनाएं देश के अंदर लाई है, जिसका महाराष्ट्र को भी फायदा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4,17,000 शालाओं के अंदर बच्चियों के लिए शौचालय बनाए गए, 45 लाख बच्चियों को स्कॉलरशिप दी गई है, 2.5 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, जल जीवन मिशन अभी जो शुरू हुआ 6 करोड़ पानी के कनेक्शन दिए गए, उज्ज्वला योजना के अंदर 9 कोटि कनेक्शन दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्ज्वला योजना का सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, महिलाओं को होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत के अंदर 11 कोटि शौचालय का निर्माण हुआ है, ये शौचालय का फायदा सबको होता है, पर सबसे ज्यादा फायदा इसका महिलाओं को होता है। गांव में जब जाना पड़ता था जंगल के अंदर, तब समझिए और अब की कल्पना समझिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुद्रा कोटि योजना में 23 करोड़ महिलाओं को व्यवसायिक कर्ज मिला, ये न भूतो न भविष्य तो है। परसों किसी ने बहुत अच्छा एक ट्वीट किया था कि भारत के अंदर 67 ईयर्स मैंने 10 साल, 67 साल मैंने 10 साल, उसका मतलब क्या, मैं समझा नहीं। मैंने उनसे पूछा तब समझ में आया, जो 67 साल में नहीं हुआ वो 10 साल के अंदर माननीय नरेंद्र भाई मोदी के अंदर भारत ने होते हुए देखा है। और ये सब उसके महिलाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2,68,00,000 घरों की महिलाओं को मालिक किया जाए। सरकार में स्टार्टअप के अंदर 50% स्टार्टअप महिलाओं के हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे और सवाल हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी 18 से ज्यादा योजनाएं हमारे चल रही है। दादा, मैं आपका आपके काम की शैली का, आपके काम की स्पीड का और आपके काम कराने का तरीके का, तीनों का मैं मन से सम्मान करता हूं। पर आपने कहा कि मेरे ऊपर बहुत, आपको खाली जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं है। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से मुझे मुंबई का पालक मंत्री, उपनगर का पालक मंत्री बनाया गया, कई सारे काम हमने किए और सब करते हैं। खाली महिलाओं के लिए 4 योजना 5 योजना के बारे में आपको बताता हूं, पूरे महाराष्ट्र में इसको रिपीट करेंगे। मुंबई में जगह कम है, चलते फिरते हमने कंटेनर बनाए, आंगनबाड़ियों के कंटेनर शुरू किए, एक शुरू किया 200 का ऑर्डर हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए हमने चलते फिरते सुविधा केंद्र बनाए, उसमें क्या होगा, उसमें कपड़े धोने की मशीन रहेगी, स्नान करने की जगह होगी। 15 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड है पूरे मुंबई के अंदर, 15 इसके ऑर्डर हो गए, 3 महीने में आपको जगह पर काम करते मिलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला जिम, चलते फिरते महिला जिम, 15 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में 15 चलते फिरते महिला जिम, पुरुष जाति के गार्डन में जिम कर लेते, महिला नहीं कर पाती है। महिला अभ्याशिका ओनली फॉर महिला, घूमती फिरती रहेंगी अभ्याशिका, पूरे मुंबई उपनगर के अंदर घूमी, अगर सक्सेस हो गया दादा तो हमारे नेता यहां पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसको लागू करेंगे। महिलाओं के स्किल सेंटर, भाषण नहीं होगा वहां पर, 8 अलग अलग टेबलें होंगी जहां पर 8 स्किल महिलाओं से संबंधित उनको सिखाई जाएगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, काम करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश हो रही है। मैं एक एक सवालों का जवाब यहां पर नहीं देना चाहता हूं, पर आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अभी सुबह गवर्नर साहब एक प्रोग्राम के अंदर थे, वहां पर ने 200 करोड़ रुपए का योजना शुरू की है ग्रामीण महिलाओं के लिए इनोवेशन केंद्र, और उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 200 करोड़ रुपए की योजना आज माननीय गवर्नर साहब के हाथ से हमने शुरू की है, और ये धीमे धीमे पूरे महाराष्ट्र के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयत्न ये रहेगा, कोई महिला यदि काम करना चाहेगी तो उसको पूरी सहायता दी जाएगी। बहुत सारी योजना सरकार के पास में, सरकार के पास ना तो पैसे, दादा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, माननीय देवेंद्र जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सरकार के पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती है, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, केंद्र का पैसा भी वेस्ट होता है, महाराष्ट्र का भी वेस्ट होता है। हम केवल प्रॉपर कमिटी तैयार कर लें कि लोगों को उसका फायदा मिल जाए, तो बहुत ज्यादा फायदा आगे तक पहुंच जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4-5 विषय में जरूर मैं अभी यहां पर बोलने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों से मैंने जाकर बात की, और उनकी आज्ञा से मैं ये विषय
आपके सामने जो उन्होंने बताया वो निर्णय आपके सामने रख रहा हूं। कई लोगों ने सुझाव दिए, मैं एक एक सुझाव का नाम नहीं लूंगा, पर मन से सारे सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। प्रत्येक वर्ष में आज के दिन या इसके आसपास महिला धोरण की अमल बजावनी व महिलाओं की जो योजना है उसका रिव्यू महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रखा जाएगा। हमने क्या घोषणा की, क्या योजना और उसका क्या फायदा लोगों को मिला, इसका रिव्यू हम आपके सामने अपना अकाउंटिंग पेश करेंगे। जो नए रास्ते अब हम प्रस्तावित करेंगे राज्य की तरफ से, जो भी नए रास्ते प्रस्तावित होंगे उसमें हर 50 किलोमीटर के ऊपर महिला स्वच्छता गृह बनेगा, प्रावधान भी होगा और बना हुआ भी मिलेगा। जो पुराने बने हुए हैं उसके बारे में क्या करना, वो उसके बारे में केंद्र का भी रोल है और हमारा भी रोल है जी। बोला बोला ना सब बरोबर ना। एक मिनट मुझे देना, उत्तर पूर्ण करो। एक बार मुझे पूरा करने दीजिए ना, उसके बाद आप बोलिए ना। उत्तर पूर्ण करो, एक बार पूरा करने दीजिए। चांगला उत्तर देता है। के बारे में आपने बताया था प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्र में जो आमदार मांगेगा, कोई पार्टी का बंधन नहीं है, जो आमदार मांगेगा उसको कौशल्य विकास केंद्र मिलेगा। महिला कौशल्य विकास केंद्र शुरू कराइए, पूरा कौशल्य विकास केंद्र आज डिपार्टमेंट आपके साथ रखेगा। महिला जनप्रतिनिधियों के बारे में कहा गया कि बैठने की जगह नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछ के बता रहा हूं कि जो महिला बाल विकास मंत्री का कार्यालय होगा उसमें एक एक्सक्लूसिव रूम सेपरेट बाथरूम के साथ में सारे महाराष्ट्र की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए अगले सोमवार से सुरक्षित मिलेगा। उस पर बोर्ड लग जाएगा, आप वहां पर जाकर बैठिए। अर पर बोलू दिया ना, अंतर बैठ संपर्क हो गया, नंतर बोला ना मैडम। ते तो विषय माझ्याकडचा आहे, तो माझ्याकडचा विषय ते करू शकत नाहीत। विधिमंडळातला मी देईन, बसा, मी देतो तुम्हाला, बसा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री से चर्चा करके इसके बारे में योग्य आदेश जारी किया जाएगा कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सीओ, म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी हों, प्रमुख 5 अधिकारी मिलके महीने में एक दिन, ज़्यादा करके वो दोनों नेता हमारे तय करेंगे, प्रत्येक फर्स्ट सोमवार को केवल महिलाओं के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा। और उसमें अरे मैडम बोलने तो दीजिए प्लीज़, 50 कंप्लेंट्स हर जगह ली जाएगी। 50 कंप्लेंट से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते, 50 कंप्लेंट करेंगे ओनली फॉर महिला। ये महिला दिवस का सौगात है और ये सरकार का तय ये करेंगे, माननीय साहब ये तय करेंगे, वलसे पाटिल साहब जो ये तय करेंगे दिन वो तय करेंगे, जो तय करेंगे वो ठीक है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए ऑलरेडी 3% जो हमने महिला डीपीडीसी में फंड रिजर्व किया था उसमें महिला बाजार का प्रावधान था, पर वो पूरा यूज नहीं हुआ। अभी मुझे मालूम, मुझे ध्यान है 1-2 महीने पहले देवेंद्र जी ने एक रविंद्र नाट्य मंदिर में मीटिंग ली थी, चहल साहब भी आए थे, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बात की और उसके बाद में 3 महिला बाजार की जगह मुंबई के अंदर हमको मिल गई है। और हमारा प्रयत्न रहेगा, मैं तो मंत्री रहूं कि नहीं, महिला उसकी चिंता मत करिए, पर सरकार ये है 1 साल के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर महिला बाजार आपको खड़ा हुआ मिलेगा। एक मिनट बात तो सुन लीजिए पहले। मैं महिला बाल भवन तो डीपीडीसी में बन रहा है, ये अलग विषय है। महिला बाजार इसलिए मैडम के जो अपने महिला बचत गट होते हैं, महिला बचत गट तो अपन ने बहुत बना लिए, अब उनको अपन क्या करते हैं 2-3 दिन के लिए मार्ग जगह ग्राउंड उपलब्ध करके देते हैं और उसका भी इतना भाड़ा लेते हैं कि उनको डर लगता है कि दुकान में हमारा खर्चा भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हमारे मन में, इस नई सरकार के मन में ऐसी योजना है कि हम हर जिले के अंदर एक महिला बाजार, जैसे दिल्ली में हाट होती है, दिल्ली हाट होती है, वैसा महिला बाजार गट खड़ा करेंगे। महिला बचत गटों को 15-15 दिन के लिए जगह देंगे, फ्री जगह देंगे, स्टोरेज की जगह देंगे, वो आएंगी वहाँ पर सामान अपना बेचेंगी, चली जाएंगी और 1 रुपया भी सरकार चार्ज करेगी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम आज इस महाराष्ट्र के सर्वोच्च स्थान महाराष्ट्र विधानसभा से सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट हाउसेस महाराष्ट्र के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा CSR महाराष्ट्र के अंदर से डेवलप होता है, जाता है, सारे देश में जाता है, महाराष्ट्र में भी यूज होता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री की आज्ञा लेकर सर्व कॉरपोरेट हाउसेस से ये आह्वान कर रहा हूँ कि आप जितना CSR फंड देते हैं उसमें 50% फंड आप महिलाओं के लिए, योजनाओं के लिए रखिए। योजना आपकी चॉइस करिए, पर महिलाओं के लिए करिए। केवल सरकार सारी असमानताएं दूर नहीं कर पाएंगी, इसमें जनता का भी सहभाग लगेगा। जनता का सहभाग लेने के लिए हम बाकी सब काम भी कर रहे हैं, CSR फंड से भी काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आज भी अभी हमारी 6:30 बजे
मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें भी महिला बाल विकास महिलाओं के बारे में दो अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। मैं अभी जब तक अप्रूव नहीं होती तब तक आपको नहीं बोल सकता हूँ, पर कल आपको पता पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में उनके निर्णयों के बारे में बताता हूँ। एक बड़ा निर्णय उन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगाने का भी किया था। ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगा के उन्होंने भारत की महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा न्याय किया, रास्ता खोला। जो दबे हुए थे, जिनको डरा के रखा गया था, उनको बाहर आकर बोलने का मौका दिया और उनको बहुत बड़ा इसके बाद में आगे खुलापन मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई अभी लास्ट में जाके नाना ने बताया कि भाई दो तीन सदस्यों ने और भी बताया लव जिहाद के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं की सुरक्षा की बात में तो करते हैं, पर जब यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है कि जिसमें लव जिहाद का विषय हो, जिसमें महिलाओं के ऊपर हो रहे दूसरे अत्याचार का विषय हो, 50,000 लोगों के मोर्चे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जिले में निकल रहे हैं, तो क्या वो अपना आप निकल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष मोदी, आग अंदर जली हुई, ये जो सारे महाराष्ट्र के अंदर 1,00,000 से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए, उससे समाज कहीं ना कहीं व्यथित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो अभी आपने एक विषय निकाला था कि जो इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन था। इंटरफेथ मैरिज कमेटी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर आपको स्पष्ट, किसी ने भी जीआर पढ़ ले और जीआर पढ़ने के बाद में मुझे बुलाइए, मैं आपके जहां पर बुलाएंगे आ जाऊंगा। जीआर में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो भी किसी के धर्म के अंदर या किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर जाता है, पर महाराष्ट्र में नया श्रद्धा वालकर नहीं होने देना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। श्रद्धा वालकर के 36 टुकड़े करके मार दिया जाए, पर चूक चूक मारने वाला और कोई था, मरने वाली और कोई था, इसलिए वो इश्यू नहीं बनता है। ऐसा नहीं होगा। हर श्रद्धा वालकर का, हर उस बच्ची का जिसका शादी के बाद में अपने घर से कम्युनिकेशन टूट चुका है, सरकार की जिम्मेदारी, हमारे महिला बाल विभाग की जिम्मेदारी है कि केवल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो कुछ प्रयत्न करते करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तो आज इस विषय पर जवाब देने का अधिकारी भी नहीं था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, दोनों का धन्यवाद। उन्होंने कहा नहीं मंगल जी आप बोलो, हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको जरूरत होगा तो आपको संभाल लेंगे। मेरा विषय समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रस्ताव को यह सरकार मंजूर करती है और ऐसा है, जो छगन भुजबल साहब आपके साथ में और 27 लोगों ने बोला, वो पूरी लिस्ट बना ली है। आपके साथ बैठ के केवल इतनी चर्चा करेंगे कि आप यदि हमारी जगह होते तो ये कर सकते थे क्या? आप यदि बोलोगे कि हम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं तो हम भी बोल के चुप हो जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे